किसी भी कार्मिक के द्वारा अवकाश के लिए लिखे गए प्रार्थना पत्र जिसको स्वीकृत कर प्रार्थना पत्र को कहाँ संधारित करना चाहिए और उन प्रार्थना पत्रों को कार्मिक को स्वयं के स्तर पर संधारित करने की आवश्यकता है या नहीं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो इसके संबंध में दो तरह की परिपाटी प्रचलित है। पहली तरह की परिपाटी कि सभी कार्मिकों के ओडी सर्टिफिकेट हो या फिर अवकाश आवेदन, उनको सभी को सत्र अनुसार एक ही फाइल में लगाए जाते हैं। दूसरी परिपाटी है कि प्रत्येक कार्मिक की अवकाश या ओडी के लिए अलग अलग फाइल संधारित की जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो जाए ऐसा तरीका काम में लिया जाना चाहिए। और अवकाश का आशय सिर्फ सीएल से है, ध्यान रखिएगा, अवकाश जहां भी लगाया गया है कि अवकाश के लिए एप्लीकेशन दिया गया है तो वो सीएल के लिए एप्लीकेशन दी जानी है। बाकी जितने भी तरह के अवकाश के आवेदन हैं वो कार्मिक की सेवा पुस्तिका में ही लगाए जाते हैं जो कार्मिक के साथ ही ट्रांसफर होती रहती है। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। धन्यवाद।